सलमान खान के फिल्म भारत से आमिर खान क्यों हो गए परेशान? इंडिया की सबसे मशहूर एक्ट्रेस को आमिर खान ने कैसे रुला दिया? सलमान खान की फिल्म भारत और आमिर खान की फिल्म फॉरेस्ट गम में क्या है समानता? आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान की फिल्म भारत आधिकारिक तौर पर कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर से प्रेरित है। बता दें, इस कोरियन फिल्म का कुछ हिस्सा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम से ऑफिशियली प्रेरित है। जी हाँ, ओड टू माई फादर को कोरियन फॉरेस्ट गम कहा जाता है। आमिर खान ने अपने जन्मदिन पर घोषणा की थी कि उनकी अगली फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रिमेक होगी। जाहिर है, आपने इन सभी बातों के बीच कनेक्शन बना लिया होगा। कुल मिलाकर सलमान खान की भारत उसी फिल्म से प्रेरित है जिसे आमिर खान बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान की भारत ईद पर रिलीज हो रही है। अब देखना है कि सलमान खान की फिल्म भारत देखने के बाद आमिर खान अपनी फॉरेस्ट गम रिमेक में कितना और क्या क्या बदलाव लाते हैं। गौरतलब है कि 3 साल पहले सलमान खान की सुल्तान और आमिर खान की दंगल में ऐसा ही कुछ हुआ था। जब तक आमिर दंगल लेकर आते, सलमान खान सुल्तान के साथ तैयार हो गए और फिल्म पहले रिलीज भी हो गई। दोनों ही फिल्में कुश्ती पर थी। अफवाहें भी उड़ी थी कि सुल्तान देखने के बाद आमिर ने अपनी फिल्म में कुछ तब्दीलियां की थी। फॉरेस्ट गम 1994 में आई हॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है और इसमें कॉमेडी भी है। ये उस साल की सर्वश्रेष्ठ हॉलीवुड फिल्म थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने उस साल 6 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी शामिल था। इस फिल्म की कहानी फॉरेस्ट गम नामक किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, जो दिमागी तौर पर भले ही पूरी तरह विकसित नहीं है, लेकिन उसके जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां वो खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर आगे बढ़ जाता है और एक ऐतिहासिक पुरुष बन जाता है। ओड टू माई फादर ये कोरियन फिल्म पिता और बेटे के बीच की एक इमोशनल जर्नी है, लेकिन फिल्म का कई हिस्सा फॉरेस्ट गम से प्रेरित है। ये भी एक आदमी की कहानी है जो अपनी कहानी में 70 सालों को समेटता है। आमिर खान की अगली फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, जो कि फॉरेस्ट गम का हिंदी रिमेक होगी। फिल्म के निर्देशक होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार डायरेक्ट किया था। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आमिर खान। फिल्म दिवाली 2020 में रिलीज होगी। जब दोनों ही फिल्में एक ही फिल्म से प्रेरित हैं, तो कोई शक नहीं है कि आमिर खान को अपने रिमेक में कुछ बदलाव करने होंगे। हालांकि दोनों फिल्मों की रिलीज में 1 साल से ज्यादा का अंतर है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आमिर खान ने इंडिया की सबसे मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती को रुलाया था। दिव्या भारती ने 1990 में आई तेलुगु फिल्म बोबली राजा से अपना सिनेमाई सफर शुरू किया था। तब उनकी उम्र महज 16 साल थी। अपने 3-4 साल के फिल्मी करियर में जो मुकाम और शोहरत दिव्या भारती को हासिल हुई थी, वो सबको नसीब नहीं होती। दिव्या की आखिरी फिल्म थी शतरंज, जो 1993 में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत हो गई, लेकिन कैसे, ये उनकी मौत के 26 साल बाद भी क्लियर नहीं हो पाया है। इतने कम समय में ही उनका नाम कई विवादों में भी रहा, लेकिन एक नाम था जो दिव्या भारती के साथ कई विवादों में शामिल रहा, वो नाम है आमिर खान। अगर हम कई रिपोर्ट्स पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि दोनों के बीच खटपट की खबरें आती रहती थी। यश चोपड़ा ने डर फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को साइन किया था। दिव्या की मां ने इस बात का खुलासा किया कि आमिर ने दिव्या को उस फिल्म से निकलवाकर जूही चावला को साइन करवा दिया। बाद में आमिर ने वो फिल्म खुद ही छोड़ दी, जो आखिरकार शाहरुख खान और जूही चावला के साथ बनी। बताया जाता है कि लंदन में हुए एक शो के दौरान दिव्या की एक गलती से आमिर नाराज। लंदन के उस शो का वो किस्सा कुछ यूं है कि भारतीय सिनेमा के कई उभरते नाम लंदन में एक शो कर रहे थे। इसमें सलमान खान, आमिर खान, सुनील शेट्टी, दिव्या भारती, रवीना टंडन और जूही चावला जैसे नाम शामिल हैं। आमिर और दिव्या भारती इस शो में एक साथ परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन एक जगह पर दिव्या भारती से कुछ गलती हो गई। कुछ ऐसी गलती जो आसानी से नोटिस भी नहीं होती, लेकिन आमिर ने वो चीज़ देख ली थी। उन्होंने इस बात की शिकायत ऑर्गेनाइजर से कर दी। साथ ये भी कह दिया कि वो दिव्या भारती के बदले जूही चावला के साथ परफॉर्म करेंगे। दिव्या और आमिर की जोड़ी एक मेडली परफॉर्मेंस देने वाली थी, लेकिन आमिर ने लास्ट टाइम पर कहा कि वो अब डांस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत थक गए। इस बात से दिव्या दुखी होकर चली गई और काफ़ी समय तक बाथरूम में बैठकर रोती रही। दिव्या को इस मुश्किल से उबारा सलमान खान ने। आमिर के मना करने के बाद सलमान खान ने कहा कि वो दिव्या के साथ परफॉर्म कर लेंगे, तब जाकर वो शो कहीं पूरा हो पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। यूं ही चलता रहेगा हमारा फिल्मी सफ़र।